नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज शाम की बड़ी खबरें। युवाओं को 1500 से 3000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको बताते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को बैतूल के शाहपुर में जनसभा में कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। बाद में इसे बढ़ाकर 3000 रुपए क्विंटल तक किया जाएगा। प्रदेश में 2 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती की जाएगी और बैकलॉग के पद भी भरे जाएंगे। कन्या विवाह सहायता राशि बढ़ाकर 1.1 लाख रुपए दी जाएगी। उन्होंने युवाओं को 1500 से 3000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा भी की। अपने संशोधन में नाथ ने वचन पत्र में किए गए तमाम वादे जनता को बताए। कमलनाथ ने कहा कि मुझे दुख होता है कि सत्ता के नशे में भाजपा के लोगों ने आज प्रदेश की क्या तस्वीर बना दी है। कृषि व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, उद्योग धंधे, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ चौपट हो गया है। मतदान के लिए वोटर आईडी के अलावा 12 दस्तावेज होंगे मान्य। आपको बता दें मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाता वोटर आईडी के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार PSU सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी लोकायुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों विधायकों MLC को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी ID शामिल है। प्रियंका बोली BJP ने 3 साल में मात्र 21 रोजगार दिए। दमोह में कहा MP में 18 साल से सत्ता में भर्ती से ज्यादा घोटाले हो रहे। आपको बता दें कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दमोह में कहा मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 3 साल में मात्र 21 रोजगार दिए हैं, पिछले 18 साल से सत्ता में हैं, यहां भर्ती से ज्यादा घोटाले हो रहे हैं, खाली पद भरे नहीं जा रहे। देश की संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को कौड़ियों के दाम पर सौंप दी, इनसे रोजगार कैसे बनेंगे। शनिवार को आम सभा में उन्होंने कहा सरकार और नेता से उनकी क्या उम्मीद है, इसका जनता की ओर से एक ही जवाब आता है, हमारे जीवन में मुश्किलें बहुत हैं। दावा करते हुए कहा मध्य प्रदेश बड़े बदलाव के लिए तैयार है। 225 महीने के शासन में 250 घोटाले करने वाले भ्रष्ट भाजपा सरकार जा रही है, भारी महुआ से कांग्रेस आ रही है। सोने और चांदी की कीमतों में फिर बदलाव, खरीदने से पहले जाने आज का ताजा भाव। आपको बता दें शरद पूर्णिमा पर सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले 28 अक्टूबर के सोने चांदी के ताजा भाव जान लीजिए, क्योंकि आज शनिवार को सोने की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। हालांकि चांदी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सोना प्रति 10 ग्राम 600 रुपए बढ़ा है, वहीं चांदी अपने पुराने रेट पर ट्रेंड कर रही है। आज चांदी की भाव में कोई बदलाव नहीं आया है। फेस्टिवल सीजन में सोना 58,000 तो चांदी 75,000 से नीचे चल रही है। आज का सोने चांदी का ताजा भाव, आज 28 अक्टूबर 2023 को सराफा बाजार में सोने चांदी की जारी नई कीमतों के मुताबिक आज शनिवार को 22 कैरेट सोने के दाम 57,550 और 24 कैरेट के दाम 62,770 पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 74,600 रुपए चल रहा है। जानिए बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव। आज शनिवार को 24 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 62,670 रुपये, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 62,770 रुपये, हैदराबाद, केरल, बेंगलुरु और मुंबई सराफा बाजार में 62,620 रुपये और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 62,780 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। जानिए 1 किलो चांदी का भाव। आज शनिवार को जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली सराफा बाजार में चांदी की कीमत की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 74,600 रुपये है, जबकि चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में कीमत 77,500 रुपये है। वहीं भोपाल और इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 74,600 रुपये चल रही है।
मसूर तुअर मूंग का कारोबार सामान्य, उड़द उड़द मोगरा में भारी तेजी, गेहूं प्याज में लंबा उछाल, चना बेसन की ले वाली कमजोरी, जाने आज 28 अक्टूबर का मंडी भाव। आपको बता दें आज की मंडी की बात करें तो फसलों में उतार चढ़ाव जारी है, चना की बौनी काफी पीछे है, वहीं मंडियों में चना की आवक बेहद कमजोर बनी हुई है। चना दाल में उछाल देखने को मिल रहा है, जबकि बेसन की ग्राहकी भी सीमित बताई जा रही है। गेहूं प्याज सहित मूंग मसूर अरहर में तेजी बनी हुई है, उड़द मोगरा में 200 रुपए की तेजी रिकॉर्ड की गई है, जबकि उड़द दाल में 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मूंग मसूर और तुअर का भी कारोबार सामान्य रिकॉर्ड किया गया, डॉलर चना में 100 रुपए का उछाल देखने को मिला। चने की मंडी की उम्मीद कम है, डॉलर चना बढ़कर 17,100 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है, चना कांटा 6,500 रुपए प्रति क्विंटल माना गया है। दलहन के भाव, चना कांटा 6,400 से 6,550 रुपए प्रति क्विंटल, विशाल चना 6,200 से 6,300 प्रति क्विंटल, मसूर 6,200 से 6,300 रुपए प्रति क्विंटल, निमाड़ी तुअर 9,500 से 11,700 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग 8,800 से 8,900 प्रति क्विंटल, नया मूंग 9,600 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल, एवरेज मूंग 7,000 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल, बेस्ट उड़द 9,000 से 9,500 रुपए प्रति क्विंटल, मीडियम उड़द 6,500 से 7,500 रुपए प्रति क्विंटल। अनाज के भाव, सोयाबीन 2,200 से 5,100 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 2,290 से 3,560 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1,718 से 2,200 रुपए प्रति क्विंटल, डॉलर चना 6,600 से 16,000 रुपए प्रति क्विंटल, देसी चना 4,500 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, धनिया 6,950 से 7,100 रुपए प्रति क्विंटल, मिर्ची 6,500 से 19,000 रुपए प्रति क्विंटल, आमचूर 4,500 से 5,200 रुपए प्रति क्विंटल। अमित शाह आज से 3 दिन एमपी में, जुन्नार देव में सभा, संभागीय बैठकों में समझेंगे इलेक्शन की स्थिति, शाम को पहुंचेंगे भोपाल। आपको बता दें बीजेपी ने एमपी की 2 सीटें विदिशा गुना को छोड़कर 228 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। करीब 50 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। अब एमपी के चुनाव की जमीनी समीक्षा करने के लिए 3 दिनों तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह 3 दिनों में अलग अलग संभागों के बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेकर जमीनी हालात को समझेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की जुन्नार देव विधानसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद रविवार 29 अक्टूबर को उज्जैन में रोड शो करेंगे। उज्जैन में ही एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।